स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर कौन सा है? तीसरा, मैट्रिसेस। अब कुछ प्लस माइनस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हो। अगर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना हो तो ईच एंड एवरी स्टेप इट इज नॉट कंपल्सरी एंड चेक प्रॉपरली। अगर कोई क्वेश्चन सेम होगा तो आई विल गिव यू 2 or 3 minutes to solve it and check yourself. Cross check with me. आज के बाद से जो भी क्वेश्चन होंगे I will give 2 or 3 minutes to write 1 or 2 steps and then check. अपने साथ कॉपी और पेन रखना with your NCERT book. और आपने क्या समझा प्रीवियस वीडियो क्लास में, और क्या आप इस क्लास में या अगले वाली आने वाली वीडियो क्लासेस में क्या आप अपने आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा आपके और हमारे बीच में, और जिससे आपको अपनी गलती और अपनी आउटपुट भी पता लगेगी। देयरफॉर आइदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और फ्रॉम कमिंग वीडियोस आई विल गिव 1 or 2 minutes or 3 minutes टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। क्या आपको आता है या नहीं आता है, यू टू क्रॉस चेक इट एंड चेक द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, जो भी मेथड यूज किया गया है, जो आपको कराया गया है, क्या आप उसे कर सकते हो या नहीं कर सकते। आई विल पुट द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज आइदर फ्रॉम टूडे और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास कीप, जो भी आप वीडियो देखोगे अपने साथ अपनी कॉपी पेंसिल और बुक रखना, इससे आपको आसानी रहे क्वेश्चन करने में, और जिससे आपकी आउटपुट बढ़ेगी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जिससे आपके बोर्ड में और कंपटीशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड यू कैन इंक्रीज योर स्पीड आल्सो। ये मत समझे कि आई कैन डू इट, बट मैथ्स में जब तक आप करोगे नहीं रिवीजन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स। तो नेक्स्ट करते हैं ए, क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास ए दे रखा है 2 1 1 0 1 -1 1 3 0, तो मेरे को निकालने की स्केल है ए स्क्वायर। चेक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, 2 1 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब इसके बाद हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 5 है हमें निकालना आता है, 6 आए। आई मीन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो क्या हो, स्क्वायर हो, और जिसके डायगोनल में एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1। और ये जो आई है उस ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा। कई बार इधर लिखा रहता है ऑर्डर, कई बार नहीं लिखा रहता, नहीं लिखा है तो दैट मीन द आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो ऑर्डर होगा जो ऑर्डर ए का होगा। तो नाउ स्टार्ट। और हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ए स्क्वायर मुझे निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए मींस ए को ए से मल्टीप्लाई, और मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, अपने ही मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना। तो ये क्या आएगा आपके पास, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई आपको पता है फर्स्ट रो और फिर कॉलम, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या आएगा, 2 2 4 क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट लिखते हैं 2 2 4 + 0 2 × 0 0 1 × 1, तो क्या आएगा, 4 + 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा, 2 × 0 0 0 × 1 0 0 × -1 -1 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, 2 1 2 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 2 1 2, पहले लिखेंगे 2, फिर 0 × 3 0 1 × 0 0। ये मेरे पास आ गया, फर्स्ट रो इज कंप्लीट, मेरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। एंड नाउ चेक इट, 2 2 4 0 और 1, फिर 0 0 -1 2 0 और 0, जीरो लिखने की हमें जरूरत, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट जीरो। एंड नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां आएगा,
सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ है, कॉलम थर्ड ये रहा, रो सेकंड। नाउ चेक इट, इसको दिस रो मल्टीप्लाई टू दिस कॉलम। तो देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, ये दो किससे मल्टीप्लाई होगा, दो से, ये वन किससे होगा टू से, ये थ्री किससे होगा वन से। तो बोलिए मल्टीप्लाई करिए, टू टू जा फोर, फिर टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, तो क्या होगा फोर टू और ये थ्री, तो क्या लिखूं फोर प्लस टू प्लस थ्री। देखिए टू 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 जा फोर लिख दिया, फिर वन टू जा टू, थ्री वन जा थ्री लिख दिया, फिर फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दो तीन, एक दो तीन, पहले जीरो से टू इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री, तो वन माइनस थ्री। सेकंड रो थर्ड कॉलम, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, जीरो को जीरो से जीरो, तो क्या आएगा टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री। एंड आफ्टर दिस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहां, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहां, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वन इंटू टू टू, वन माइनस वन इंटू टू माइनस टू जीरो, तो क्या आएगा टू माइनस टू, फिर वन इंटू जीरो माइनस वन इंटू वन, तो क्या आएगा माइनस वन, फिर जीरो। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट रो जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये से मल्टीप्लाई, ये से, ये लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम, वन को वन से वन, वन को माइनस थ्री से माइनस थ्री, जीरो, तो क्या आएगा वन माइनस थ्री, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नाउ राइट क्या आएगा, फाइव हेयर इज फोर सिक्स नाइन, हेयर इज जीरो, हेयर इज माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन टू फाइव और ये माइनस टू, ये किसकी वैल्यू होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब मेरे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, और ए स्क्वायर मुझे पता है व्हाट इज द ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फाइव नाइन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस वन टू फाइव माइनस टू माइनस फाइव ए माइनस फाइव ए, ए मेरे पास ये ना, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो, फिर क्या आएगा प्लस सिक्स आई, आई क्या होगा मेरे पास वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये आ गया। एंड नाउ ये ऐसा कैसे लिख दीजिए, फाइव नाइन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस वन टू फाइव माइनस टू प्लस, अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या देंगे मल्टीप्लाई, ये जो है क्या नाम है माइनस फाइव, इन सबसे क्या होगा मल्टीप्लाई, इनके साइन चेंज जाएंगे और हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा फाइव से, तो माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, फाइव इंटू जीरो जीरो, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, माइनस फाइव को थ्री से माइनस फिफ्टीन, माइनस फाइव को जीरो से जीरो आ गया, प्लस अब सिक्स से करेंगे, सिक्स वन जा सिक्स जीरो जीरो जीरो, सिक्स वन जा सिक्स जीरो 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 सिक्स, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो फाइव माइनस टेन, वन माइनस जीरो माइनस टू माइनस थ्री, ये आएगा माइनस टू माइनस माइनस नाइन, और सॉरी नाइन माइनस टेन, इसको भी इसी करते हैं माइनस फाइव, दिस इज माइनस फाइव, नाइन माइनस टेन माइनस वन, माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन, टू और फाइव माइनस टेन, एंड हियर इज जीरो माइनस टू माइनस फाइव माइनस फाइव, माइनस वन फोर, माइनस टू जीरो माइनस टू, प्लस यहां पर क्या आएगा सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स, और इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हेयर इज देखिए माइनस फाइव सिक्स वन आ जाएगा, माइनस वन जीरो माइनस वन, माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री, ये आ गया। अब इसके बाद आपको लेके आएगा आफ्टर दैट, बोलिए माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस वन
माइनस टेन जीरो माइनस टेन, फिर बोलिए माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव, फोर जीरो फोर, माइनस टू जीरो और ये क्या आएगा फोर, माइनस टू सिक्स इज फोर एंड इज योर आंसर। इट मीन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई की वैल्यू ये आ गई एंड चेक आंसर एंड नेक्स्ट टाइम इफ ए स्क्वायर आई विल आस्क फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 16।